संसार ग्रीन, हम एक बार फिर आए हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे सब्जियों के नाम बताएंगे जो बिना धूप के उगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपनी बागवानी जारी रखें, चाहे धूप हो या ना हो, पौधे हम बताएंगे। हम अपनी लिस्ट शुरू करें, उससे पहले आप भी कुछ काम कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। मशरूम, खुम्बी, छत्ता या कुकुरमुत्ता, यह दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में शुमार है। हालांकि इनकी कई किस्में होती हैं जो सबकी पहुंच में है। इन्हें हम सब्जियों में गिनते ज़रूर हैं, लेकिन ये प्लांट है या एनिमल, इसके बारे में तो विशेषज्ञ भी एकमत नहीं। इन्हें अंधेरे शीलन वाले कमरे में उगाया जा सकता है, धूप इन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में इनकी अनगिनत किस्में हैं जिनमें हजारों की खेती होती है, पर मशरूम की कुछ किस्में जहरीले भी होते हैं, तो बिना जानकारी जंगली मशरूम ना खाएं। इन्हें बीजों से उगाया जाता है, उगाने के लिए मिट्टी भी नहीं चाहिए। आप ग्रोइंग बैग में भूसा, पुआल या पराली पर इन्हें उगा सकते हैं। बीज आप किसी भी भरोसेमंद स्रोत से ले सकते हैं। मिंट या पुदीना, इनका बोटानिकल नाम मेंटा है। इसे उगाना बेहद ही आसान है। आप चाहे तो इसे मिट्टी या पानी दोनों में लगा सकते हैं। जैसे कि ये बिना धूप के उगते हैं, तो आप चाहे तो इसे किसी भी कांच के ग्लास में डालकर अपने टेबल टॉप पे रख सकते हैं। इन्हें कटिंग और बीज दोनों से लगाया जाता है। इन्हें कटिंग से लगाने के लिए 8 सेंटीमीटर की कटिंग काट लें और मिट्टी या पानी में लगा दें। जड़ आने में हफ्ते भर का समय लग जाएगा। इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है, इसे आप अपने बालकनी में भी रख सकते हैं। पुदीना के कई फायदे हैं, कई लोग इसे सौंदर्य में भी इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, ये तो सेहत के लिए भी रामबाण है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं जो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यैम या ओल या एक बहुवर्षीय भूमिगत सब्जी है जिसका वर्णन भारतीय धर्म ग्रंथों में भी पाया जाता है। भारत के कई राज्यों में लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ इन्हें जिमीकंद तो कुछ इन्हें सूरन के नाम से जानते हैं। पहले इसे घरों के अलग बगल के ज़मीनों में उगाया जाता था, लेकिन अब इनकी व्यावसायिक खेती होने लगी है। ओल सिर्फ एक सब्जी ही नहीं बल्कि एक कीमती जड़ी बूटी है। इसके लगभग सभी हिस्से खाए जाते हैं। इन्हें एलिफेंट फुट याम, वाइट स्पॉट जाइन आराम भी कहा जाता है। इन्हें रेड लोमी सॉइल यानी लाल दोमट मिट्टी में लगाएं और कॉर्न यानी कंद के द्वारा से लगाया जाता है। इनमें फूल भी आते हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं। टैरो, यह भी एक ऐसी सब्जी है जो बिना धूप के उगती है। इसके कई नाम हैं जैसे जाइंट टैरो, ऐप, जाइंट एलोकेसिया या पाई। ना सिर्फ इनका स्वाद लाजवाब होता है, ये सेहतमंद भी होते हैं। इसके पत्ते भी एडिबल होते हैं। कई लोग इसके पत्ते की चटनी बनाकर खाना पसंद करते हैं। गुजराती पात्रा या बंगाली गेवच, शायद आपने भी सुना होगा। इन्हें कभी भी लगा सकते हैं। इन्हें कॉर्न्स यानी कंद से ही लगाया जाता है। इन्हें लगाने के लिए कॉर्न्स को 6 से 10 सेंटीमीटर तक काट लें और ज़मीन के अंदर डाल दें और मिट्टी से ढक दें। इन्हें वेल ड्रेन्ड पॉट में ही लगाएं और पानी रोजाना दें। कोलोकेसिया या कच्चू, ये सब्जी लगभग हर घर में बनती है। लोग इसे दाल में डालकर खाना पसंद करते हैं। इसे अरवी, कचालू, सेम्फू आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े हाथी के कान की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें एलिफेंट्स ईयर भी कहते हैं। इसके पत्ते भी एडिबल होते हैं। भारत में इनकी खेती 10,000 साल से भी ज़्यादा दिनों से हो रही है। यह एक पेरेनियल प्लांट यानी सालों साल साथ रहने वाले प्लांट है।
आप जो कच्चुक खाने में इस्तेमाल करते हैं उनमें से ही निकला छोटा प्रवर्त से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय।